मैं कितने अकेली पड़ जाऊंगी यहाँ पे। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इस अजय के साथ ये भाग के शादी करने का प्लान कर रही है। एक बार वीडियो कॉल पे रहो ना प्लीज। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे रंजीत भाई साहब, आप तो जानते ही हैं ना, जयंत की शादी को 1 साल हो गया और तब से घर पे ही बैठा है। 4 पैसे की कमाई नहीं की उसने। अब चल रही है बातचीत कुवैत जाने की। एक बार कुवैत में नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाए। अरे हाँ हाँ, हम जानते हैं आपको कुछ नहीं चाहिए, पर देखिए हमारी भी एक ही बिटिया है, अब उसे खाली हाथ तो विदा नहीं करेंगे ना। अरे हाँ हाँ भाई साहब, पर एक बात तो आप मान के रखिए कि 1 साल से पहले शादी नहीं होगी प्रिया और दिनेश की। इतना टाइम तो लग ही जाएगा। चलिए फोन रखती हूँ। और दिनेश कैसा है, ड्यूटी पर गया? चलिए सबको नमस्कार कहिएगा जी। प्रिया, तेरी दिनेश से बात हुई? नहीं माँ। माँ, खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है बेटा? बताता हूँ माँ, मेरा वीजा अप्रूव्ड हो गया है। ये देखो, फिलहाल 6 महीने के लिए हुआ है, पर कोई बात नहीं, बाद में बढ़वा लेंगे। और अभी 1-2 दिन के अंदर ही कुवैत जा रहा हूँ। जय भोलेनाथ। अरे अब तो खुश हो जा। अरे बेटा मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। अभी रंजीत भाई साहब से ही बात हो रही थी। हाँ। दिनेश और प्रिया की शादी की। हाँ। पर मैंने तो कह दिया 1 साल से पहले हम शादी नहीं करेंगे, ठीक किया ना? नहीं नहीं, ठीक किया माँ। अब कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा शादी लायक पैसे कमाने में, और फिर करेंगे प्रिया की धूमधाम से शादी। क्यों प्रिया, क्या हो गया इसको? अरे कुछ नहीं बेटा, शर्मा आ गई अपनी शादी की बात सुन के। अच्छा चल बेटा, तू तैयारी कर ले और बहू तू भी मदद कर इसकी। जा मैं अपनी माला पूरी कर लूं। हां जय भोलेनाथ। दूध पी लीजिए। कहाँ जा रही हो? बैठो ना, थक गई क्या? हाँ। कोई बात नहीं, चलो रोमांस करते हैं, सारी थकान दूर हो जाएगी। अच्छा जयंत, एक बात तो बताइए, आप यही कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम मुझे एक बात बताओ कि यहाँ नौकरी करने से कितने पैसे मिल जाएंगे? 15-20 हजार बस? अरे ऐसे जिंदगी कट जाएगी? प्रिया की शादी करनी है, इतना सारा पैसा चाहिए होगा। अगर कुवैत नहीं जाऊंगा तो इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? वैसे भी 1 साल से निठल्ला बैठा हूँ। अगर 6 महीने काम किए होते तो बैंक बैलेंस होता, कुछ पैसे होते मेरे पास। ऊपर से ये वीजा ने सारा टाइम बर्बाद कर दिया। पर जयंत, मेरा भी तो सोचिए, मैं कितनी अकेली पड़ जाऊंगी यहाँ पे। अरे तो तुम ये चाहती हो क्या कि मैं तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं पूरी जिंदगी भर, पैसे वैसे ना कमाऊं, कुछ काम ना करूं? तुम नहीं समझोगी ये सब बात। कहाँ जा रही हो? दवा खाने। क्यों? पेट में दर्द है मेरे, बताया तो था आपको। तुम्हें पता नहीं मुझे रोमांस करना है इस पर? जयन मेरे पेट में दर्द है, कहीं नहीं जाना है, चल। जयन प्लीज, जयन मेरे पेट में बहुत दर्द है। जयन या जल्दी कुवैत जाने वाले हैं, फिर हम इजीली मिल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे वाह, ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? बस 1-1.5 महीने की बात हो रही है प्रिया, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे। वकील से बात कर चुका हूँ मैं। सच में हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे? प्रिया, भाभी जी, भाभी 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 भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाभी। अजय सुनते हो? क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रही है? ये देखो, ये प्रिया क्या गुल खिला रही है, इस अजय के साथ ये भाग के शादी करने का प्लान कर रही है। अजय रुक, भैया रुक, हम भागते हैं। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल? हमारी इज्जत मिट्टी पे मिलाने पर तुरी हुई है। क्या ये है?
क्या ये? मैंने रंजीत अंकल को जुबान दे दी है कि तेरी शादी दिनेश के साथ ही होगी, और फिर चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो, समझी? हाँ सुन ले, आज से तेरा इस घर से बाहर निकलना बंद है। बहुत समझाती हूँ। बेटा सब तैयारी हो गई? हाँ माँ। अच्छा प्रिया नहीं दिख रही है? अरे अपने कमरे में ही होगी। प्रिया नहीं नहीं रंदो, लगता है अभी भी नाराज है। अच्छा आप दोनों प्लीज एक काम करना, प्रिया पे नजर रखना, कहीं अकेले बाहर ना जाए, कल को कोई ऊंच नीच होगी तो कौन जिम्मेदार होगा, बड़ी बदनामी होगी हमारी। अरे बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, यहाँ का मैं और रशिता दोनों मिलकर संभाल लेंगे, तू तो बस खुशी खुशी जा और मन लगा कर नौकरी कर, है ना रशिता? जी माँ जी। ठीक है माँ मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। चलो बेटा खुश रहो। भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है माँ। हाँ जी पहुँच गए आप? हाँ मैं पहुँच गया हूँ। अच्छा और बताइए काम सही चल रहा है आपका, ज्वाइन किया या नहीं? हाँ हाँ बात हो गई है, कल से ज्वाइन करूंगा। तो अच्छा ये बताओ कि वो प्रिया पे नजर रखे हो? अरे हाँ बापा प्रिया पर पूरी नजर रख रखी है मैंने, और वो तो ना आजकल घर से बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा हम तुमको एक बात बताएं, हमें ना तुम्हारी बहुत याद आती है, वीडियो कॉल करें? पागल हो क्या वीडियो कॉल करें? अरे यहाँ मेरे अलावा और भी लोग रहते हैं ऑफिस में। अच्छा कल से हम दिन पे काम में रहेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है? दिन में कॉल मत करना हमें। सुनिए ना पर अभी तो हम बात कर सकते हैं। बस 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 अब बकवास बंद करो और हमें जाना है, काम है, चलो। ये लीजिए माँ जी चाय। और बेटा खाने की तैयारी है? हाँ माँ जी मैं यही बोलने वाली थी कि कुछ सब्जियां लेके आनी मुझे। अरे प्रिया बेटा तुम कहाँ जा रही हो? वो टेलर के पास जा रही थी कपड़े अल्टर कराने के लिए। बेटा भाभी को भी साथ में ले जा, देख सारा दिन घर में रहती है, उसका भी मन और हो जाए। अरे माँ लेकिन भाभी क्या करेंगी वहाँ जाके? अरे सुनो ना प्रिया मेरे पास ना बहुत सारे कपड़े अल्टर करवाने के लिए, तुम बस एक मिनट रुको मैं अभी कपड़े लेकर आई, ठीक है माँ जी? हेलो। हाँ बोलो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, वहाँ सब कैसे हैं? हाँ बाबा इधर सब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ तुम्हें हमारी याद आती है या नहीं, एक बार वीडियो कॉल पे आओ ना प्लीज। वीडियो कॉल तुम्हें पहले भी समझाया था ना नहीं कर सकते हैं, यहाँ काम करने आए हम, खाली नहीं बैठे हैं जो तुमसे गुटरगू करते रहे। पर तुम्हें गए हुए पूरा एक महीना हो गया है जैन, ऐसा भी क्या काम हो गया जो रात के 9 बजे तक बिजी हो? अरे चढ़ बुद्धि, ये हिंदुस्तान नहीं है कुवैत है, 6:30 बजे हैं यहाँ पे, समझी? बात कर रही है। और हाँ हम नहीं कर पाते हैं बात, अरे काम में बिजी रहते हैं, आगे भी ऐसा ही होगा, आदत डाल लो, समझी? चलो हम बाय, फोन रखते हैं। अरे बस सुनो तो। हाँ बस 2 मिनट रुको मैं आ रही हूँ। वो बस थोड़ा बाहर घूमने गई थी। हो गया तेरा? हाँ चल अंदर चल। माँ जी वो अजय आया था फिर से प्रिया से मिलने। क्यों इस घर की इज्जत नीलाम करने पे तुली हुई है? लेकिन माँ
उससे प्यार करती हूँ। जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ जी, माँ जी शांत हो जाइए। माँ भाभी आप बस भी करो, और कितना दिखावा करोगी। हाँ सारी जो आग है ना, ये तुम्हारी ही लगाई हुई है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे। तुम देखना एक दिन बहुत पछताओगी। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. नंद शर्मा, थैंक्स। वैसे फोटो तो आपकी भी अच्छी लग रही है। हाँ पर आपकी प्रोफाइल में तो मुंबई लिखा है। और करते क्या है वहां? वाओ, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूं। हस्बैंड कुवैत में जॉब करते हैं। अरे नहीं, घर में सासू माँ हैं और मेरी ननद भी हैं। वो तो है पर क्या करें, मजबूरी है। रशिता कहाँ है, जल्दी आ। जी माँ जी, आई। अच्छा बाद में बात करते हैं, अभी मुझे थोड़ा काम है। बाय। माँ जी तू तू भी बहुत ख्याल रखती है मेरा। Number you are trying to call is currently busy. Please try again later. हस्बैंड तो मुझसे दूर है, पर क्या तुम भी अकेले हो? कोई तो होगा तुम्हारी लाइफ में, कोई दोस्त या कोई गर्लफ्रेंड? आजकल तो सबकी गर्लफ्रेंड्स होती है, तुम्हारी कैसे मिली? अच्छा जी, हैंडसम तो बहुत हो तुम, ट्राई करो गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। बात नहीं है, तुम तो जानते हो ना कि मैं शादीशुदा हूं।
हाँ करती तो हूँ बट हाँ पूछो ज्यादा मक्खन मत लगाओ मुझे हाँ ठीक है ये लो आप तुम भी अपनी फोटो भेजो मुझे ओके अच्छी हूँ तुम सुनाओ ओके ओके खुश अब मुझे भी देखना है तुम भी अपना एक फोटो भेजो ना सिक्स पैक्स वाला कुछ नहीं अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ अभी मूड सही नहीं है कुछ नहीं अच्छा तुम एक बात बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो हे भगवान ये क्या किया तुमने मैं भी जान दे सकती हूँ चाहो तो आजमा के देख लूँ अच्छा बाकी सब बाद में पहले पट्टी बांधो इस पर नहीं अब अच्छा हो गया अच्छा वीडियो कॉल पर आओ ना
ओके, मैं वेट करूंगी। अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। अरे प्रिया बेटा, तू कहाँ जा रही है इस वक्त? माँ वो अंजलि के घर जा रही थी, बहुत दिनों से मिली नहीं हो ना उससे, तो सोच रही हूँ मैं लाऊं। माँ जी तू रशिता, तुम भी चली जाओ उसके साथ। माँ जी मैं ना आपको बताना भूल गई, मुझे ना बुआ जी के घर पे जाना है, उनके बेटे का बर्थडे है। तो क्या प्रिया अकेली जाएगी? माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर भाभी चलना चाहे तो चल सकती है साथ में। नहीं 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 प्रिया तुम जाओ, माँ जी बुआ जी के घर पे जाना बहुत जरूरी है। तो माँ फिर मैं अकेली चली जाती हूँ। बाय बाय। माँ जी आप दूध पी लीजिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। बेटा यूं अचानक कैसे आया? सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब तेरी नौकरी तो है ना? हाँ बस 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 सब कुछ ठीक है, मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था तो बस इसीलिए आना पड़ा। अभी हफ्ते भर में रिन्यू करा लूंगा फिर निकल जाऊंगा। मुझे तो टेंशन हो गई थी कहीं नौकरी तो नहीं छूट गई। अरे बेटा तू दुबला कितना हो गया, कुछ खाने पीने को नहीं मिलता क्या वहाँ? हाँ वहाँ सब कुछ है खाने के लिए, पर आप लोगों की बहुत टेंशन रहती है। बस भैया कैसी है दीदी, नाराज है क्या मुझसे? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? हाँ। चल बेटा तू अच्छा सा खाना बना और तू हाथ में धोले। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। सब ठीक हो गया? हेलो अजय, भैया लौट आए। इतनी जल्दी? हाँ बोल तो रहे सिर्फ एक हफ्ते के लिए आए, मुझे फिर भी डर लग रहा है। तुम्हारा पैसों का इंतजाम होगा कि नहीं? पैसों का इंतजाम हो गया है, मैंने पेपर्स भी रेडी करवा लिए, तुम बस ना वहाँ से कैसे भी करके निकल आओ। भैया के होते हुए थोड़ी तो मुश्किल होगी, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। एक काम करो प्रिया, तुम बताना मैं ही तुम्हें लेने के लिए आता हूँ, बस तुम तैयार रहना। हाँ ठीक है ठीक है। जयंत वापस आ गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे तुमसे मिलना है बस। ठीक है पर तुम इस बार पक्का आ रहे हो ना? माँ से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, सो गई क्या? इतने दिनों बाद आया हूँ, ऐसे ही सो जाओगी? जय आज ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो आज रहने देते, कल करते ठीक है? गुड नाइट।
मूड मत खराब कर, समझी? ज्यादा नखरे मत दिखा, जो कह रहा हूँ वो चुपचाप कर, चल। जब मैंने एक बार बोल दिया मुझे नहीं करना तो नहीं करना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? बोलो तुझसे प्यार भरी बातें कर ली तो तू सर पे चढ़ रही है। प्लीज प्लीज चैन नहीं। चलो चलो जल्दी करो। भैया, तेरी इतनी हिम्मत, हाँ? मेरी बहन को भगाएगा, हाँ? ऐसे नहीं मानेगा तू, हाँ? क्या कर रहा है? आज खेल खत्म करता हूँ। क्या कर रहा है? और देखो उसमें फेल जाना पड़ेगा तुझे। अरे चल। अरे। क्या कर रही थी तू? भाग रही थी घर। शर्म नहीं आती? मर क्यों नहीं जाती? तू उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? समझ नहीं आता तुझे कुछ भी? आज तो मैं इसे जान से मार दूंगा। कुछ ना कुछ गलत करा के माने किस घर में। माँ मैं कल ही रंजीत जी से बात करता हूँ और इसकी शादी की डेट फिक्स करता हूँ, और मैं कुवैत नहीं जा रहा हूँ जब तक इसकी शादी नहीं होगी। अब भाग उस अजय के साथ, और अगर अब की बार घर से पैर बाहर निकाला तो तुझे और उस अजय को जमीन में गाड़ दूंगा। माँ भैया को समझाओ। चुप, चल अंदर, चल अंदर, ऐसे नहीं पा जाएगी। आनंद मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना, मुझे ले चलो यहाँ से। बहुत बुरा है जयंत, मेरे लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माने। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मैं अब नहीं रह सकती उसके साथ। मैं यकीन नहीं है क्या? जान भी दे सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए। आप शांत हो जाइए। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ, पानी पीजिए आप।
सबसे पहले लाश को किसने देखा? जी मेरी बहू रशीता, मैं उनकी बीवी हूँ। आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो बेडरूम में बेसुध पड़े हुए हैं। वैसे आप बता सकती हैं कि खुदकुशी की क्या वजह हो सकती है? घर में किसी से कहा सुनी, कोई लड़ाई झगड़ा, या बाहर किसी से काम पे? ये मेरी बेटी प्रिया है, ये मोहल्ले के एक लड़के से प्यार करती है जो ऑटो ड्राइवर है, और जयंत को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। कल रात को ये दोनों भागने वाले थे और जयंत ने इन्हें पकड़ लिया और झगड़ा शुरू हो। मैडम, प्रिया को लेके वो पहले से ही बहुत परेशान थे, और शायद इसीलिए उन्होंने खुदकुशी कर। विजय, मेरा बेटा, आप चुप हो जाओ। तू मत बोल, दूर हो जा मेरी नजर से। मैडम, केस तो खुदकुशी का लग रहा है। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। बाकी इस अजय को उठाओ और इसका स्टेटमेंट लो, और इस घर के एक एक मेंबर की जानकारी निकालो, कहाँ आते जाते हैं, किससे मिलते जुलते हैं। जी मैडम। कैसी रोती रहोगी, अब बहुत हो गया। हाथ मत लगा मुझे, तेरी वजह से जयंत मरा, अब तो तू खुश है ना? वो कहाँ है आपकी? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरेस्ट करो इसे। अरे मैडम, मैंने किया क्या है? जयंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसके मुताबिक जयंत को नशीली दवाई खिलाई गई थी जिससे वो बेहोश हुआ। उसके बाद उसे मार दिया गया। हमने तुम्हारी पूरी जानकारी निकाली, तुमने अभी 3 महीने पहले अबॉर्शन कराया था। अगर जयंत कुवैत में रहता था तो ये बच्चा किसका था? तो अब ये बताओ, वो कौन है जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा था, और तुमने जयंत को क्यों मारा? ये बात सच है कि मैंने अबॉर्शन कराया, पर बच्चा जयंत का ही था। अरे मैंने तो सोचा था कि मैं सबसे पहले ये खुशखबरी जयंत को दूंगी, पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। जितनी बार भी फोन करूं वो काट देते थे, कभी मुझे अपनापन नहीं दिया उन्होंने। ऐसे में और क्या करती मैं, क्या करती माँ जी? अरे इतनी बड़ी बात मुझे तो बताती एक बार, मेरे बच्चे की आखिरी निशानी भी तुझे खत्म करती। जब आपके बेटे ने ही मेरी परवाह नहीं की, आपको क्या बताती मैं? मैडम, इसी बीच मेरी दोस्ती आनंद से हुई, सोशल मीडिया पे मिला मुझे वो, और धीरे धीरे हम इतने करीब आ गए कि मैंने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। जब मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने मुझे बच्चा गिनाने की सलाह दी। अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। बर्थडे पार्टी का बहाना लेकर मैंने अबॉर्शन करा लिया। 3 ही महीने की प्रेग्नेंट थी, किसी को पता नहीं चला। रशीता, ये क्या किया तूने? ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुमने जयंत को क्यों मारा? मैं मुझसे बहुत प्यार करता था, उसने मुझे बोला कि मैं जयंत को अपने करीब ना लूं। कुवैत से आने के बाद उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैडम, मेरा जस्ट अबॉर्शन हुआ था, खुद तकलीफ में थी,
पर जयंत फिर भी नहीं माने, कब तक सहन करती मैं, कब तक? ये सारी बात मैंने आनंद को फोन पे बताई। ठीक है, पर कैसे? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब उस रात जयंत ने मुझसे पानी मांगा तो मैंने उसके गिलास में नशे की गोलियां मिला दी। पानी पी लीजिए। एक काम कीजिए, अब आप आराम कीजिए, ठीक है? हम दोनों मिलकर बात करेंगे ना दिलप्रिया से। सर में दर्द क्यों हो रहा है? आंखें खोलो जयंत। और जब वो बेहोश हो गया ना तो मैंने दम घोटा उसका, तकिए से उसे जान से मारा। I love you, darling. Goodbye. जिस रात को मैंने जयंत को बेहोश किया था उसी रात को प्रिया और अजय की जयंत से लड़ाई हुई थी, इसी बात का मैंने पूरा फायदा उठाया। अच्छा रशिता, ये आनंद रहता कहाँ है? मुंबई में रहता है, काम करता है उधर। रहने वाला लखनऊ का है। मिली हो कभी उससे? नहीं मैडम, सिर्फ फोन पे चैट पे ही बात हुई। वो तुमसे मिलने आने वाला था, क्या हुआ? हमने प्लान किया था पर किसी वजह से वो आ नहीं पाया। तुमने देखा है उसे कभी वीडियो कॉल पे या किसी फोटो में? जी नहीं मैडम, मेरी उससे बस चैट पे बात हुई, ना कोई वीडियो कॉल ना ऑडियो कॉल। और उसके कहने पे तुमने अपना अबॉर्शन करा दिया, अपने पति को मार दिया। मैंने जो किया एकदम सही किया मैडम, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं। जयंत इसी के लायक था और वो जहां है एकदम सही जगह पे। ये फोन लो, साइबर एक्सपर्ट से इस फोन में जो भी आनंद की जानकारी है सब निकलवाओ। जी मैडम। और अब तुम चलो जेल में, लेकर चलो। You are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. Mera bachcha.
बेटी प्रिया कहाँ है? कमरे में ही होगी, क्या हो गया मैडम? विजय सुधा देखो अंदर जाके। मैडम क्या हुआ, प्रिया ने क्या किया? बताते हैं माँ जी। मैडम कमरे में कोई नहीं है। मैडम मैडम ऊपर छत से कोई लड़की कूद रही है। प्रिया ये क्या कर रही है? रुक जा प्रिया, प्रिया क्या कर रही है? मां मुझे जाने दो, मुझे अब नहीं जीना है। तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। प्रिया ऐसा क्यों करने जा रही थी? क्यों आत्महत्या कर रही थी? हम तो पहले ही मर चुके हैं। इतना दुख है हमारे ऊपर, तू और मार रही है हमें। मैं बताती हूँ माँ जी, आपकी बहू जिस आनंद से बात करती थी वो कोई और नहीं, आपकी बेटी प्रिया ही है। ये क्या कह रही है मैडम आप? आनंद का प्रोफाइल प्रिया के मोबाइल से ऑपरेट हो रहा था, इसका मतलब आनंद ही प्रिया है। पर तुमने ये सब किया क्यों? भाभी से नफरत करती थी और अपने भाई से भी, कि भाभी ने अजय और मेरे अफेयर के बारे में सबको बताया था। कितनी रिक्वेस्ट की उनसे, तीन बार हाथ पैर पड़े, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और सबको जाके सब कुछ बता दिया। और जब भैया कुवैत चले गए तो दिन भर मुझ पर निगरानी रखती थी, कहीं भी बाहर जाऊं तो उसके साथ साथ जाती थी। मैं तंग आ चुकी थी इन सब चीजों से। फिर मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए आनंद बनकर उससे दोस्ती की। और जो वो फोटो तुम ऋषिता को भेजती थी वो किसके थे? वो सब मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए थे। और ऋषिता का अबॉर्शन क्यों कराया था, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुझे तो बच्चे के बारे में पता ही नहीं था, मुझे भी तब पता चला जब सुबह आप लोगों ने बताया, जब भाभी ने मुझे चैट पे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे लगा मजाक कर रही है, कि अगर वो सच बोल रही होती तो मुझे तो पता ही चल जाता ना कि वो प्रेग्नेंट है। मैंने मजाक में बोल दिया कि बच्चा अबॉर्ट करा दो। और अपने बड़े भाई जयंत को क्यों मरवाया तुमने? कि वो जबरदस्ती मेरी शादी उस दिनेश के साथ करवाना चाहते थे। मैं अजय से प्यार करती थी,
से उससे शादी करना चाहती थी और मैं तो भाग भी रही थी रात में, पर भैया ने पकड़ लिया। और उस दिन उन्होंने कहा जब तक वो मेरी शादी दिनेश से नहीं करवा देंगे वो तब तक कुवैत वापस नहीं जाएंगे। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा तो पहले से ही था, तो जब भाभी ने आनंद को मेरा मतलब जब मुझे मैसेज किया, मैंने उनसे कहा भैया को मार दो। अरे जयंत तो एक भाई होने का फर्ज निभाना था, तूने क्यों मरवाया उसे? इसमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड अजय का भी हाथ था। अजय ने कुछ भी नहीं किया है, जो किया है मैंने किया है। लेकर चलो इसे।